आप जब से कोचिंग में आए हैं ना, कोचिंग में तो स्टूडेंट का कमी ही नहीं हो रहा है, दिन दुना रात चौगुना हो रहा है, समझे ना। और एक बात जानते हैं, आप इतना भाग्यशाली हैं जिससे आपका शादी होगा ना, हम तो कहते उनके जिंदगी में चार चांद लग जाएगा। चार चांद नहीं लगेगा, आठ चांद। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैसे आपका शादी हो गया? शादी? अरे भैया शादी मेरा कहाँ हुआ है? ऐसे देखने में लग रहे थे कि चार बच्चा का बाप। ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि पढ़ने और पढ़ाने में मेरा उम्र आधा तक गैप हो गया है। अब सोच रहे हैं कि आपके जैसा क्यूट मिलेगा ना तो हम भी शादी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है मिलेगा, कोशिश करेंगे। हमसे कब तो खराब है, जो हो सब ठीक है। अरे आप बोले कि मेरा शादी नहीं हुआ है, आपके मांग में सिंदूर देख रहे हैं। वो हम इसलिए लगाए हैं कि कोई हमको लाइन न मारे सिंदूर। अच्छी बात, सिंदूर देखे तो मेरा दिल धक धक करने लगा। अरे दूसरी बात है, दिल में क्या बताएंगे आपको अभी। लेकिन आपका भी शादी नहीं हुआ, मेरा भी शादी नहीं हुआ, सोच रहे हैं। बोल रहे थे कि बोलिए, ऐसे कोचिंग में कैसा लगता है? कोचिंग में बिल्कुल ब्यूटीफुल, क्लास का टाइम हो रहा है, ब्यूटीफुल A1 का लग रहे हैं। साला यहाँ पढ़ाने के लिए आता है, लोग जो है ना नैन मत बात बताइए, आप लोग पढ़ाने के लिए आते हैं, नैन मत करने के लिए आ रहे हैं, कब से आपको बुला रहे हैं, क्लास का टाइम हो गया, कितना बजा देखिए। अरे बातचीत कोचिंग के बारे में बात कर रहे थे भाई हम लोग, आज कौन सा सिलेबस पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, उसी के बारे में इनको समझा रहे थे। और दूसरी बात तो ये है कि कल तो 15 अगस्त है, 15 अगस्त किस तरह मनाया जाएगा, वही सब बारे में बच्चे को समझाएंगे, ये भी हम भी समझाएंगे, यही सब के बारे में बता रहे थे। बता रहे थे, चलिए क्लास में चलिए, कोई बात नहीं, जा रहे हैं। बोल देखिए देखिए, कोचिंग में पढ़ाइएगा या टेलर चलाइएगा? ना ना, हम टेलर चलाएंगे, ठीक ना, हम जाते हैं। ना ना मैडम बैठिए, वो तो मजाक कर लिए थे, उसको तो हम कुर्सी पर से हटाने के लिए बोले ये सब बात। ऐसे अभी क्लास चालू होने में 10-15 मिनट लेते हैं, पढ़ाई उड़ाई पर भी बच्चे उच्चे पर भी ध्यान दीजिए, टेलर उलर का काम जो है कम बेस कीजिए। बताइए आपके बगल में पुरवा लुच्चा आदमी बैठा था, अच्छा लगता है आपको, कैसा फील होगा? वैसे तो धरती पे कोई भी चिकनो न है। अरे चलिए इधर सुनिए, चलिए 15 अगस्त के बारे में बच्चे इनको कुछ बताते हैं, बैठे बैठे जो है ना फ्री का जो है खुशी बताइए। देखो बच्चों, आज तुम लोगों को पढ़ाएंगे साइंस, समझ गया ना, साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। क्या होता है, क्या होता है? विज्ञान। जाइए वो थ्री में फ्री करवाइए, एन में पढ़ाने के लिए चले आते हैं, साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। एक को पैसा नहीं, क्या निकालिए। गुड मॉर्निंग सर, चुट्टा डाउन। कल क्या है? अरे साला 15 अगस्त है कि बुनियाद दिवस है रे? वही सर 15 अगस्त। चलो पहले पढ़ाते हैं देश आजाद, देश आजाद के बारे में पढ़ाते हैं, अपना देश आजाद कैसे हुआ था, कब हुआ था, और अपना देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। कब हुआ था? 1947। 15 अगस्त 1947 को। और इसका जानकारी कौन देगा? आप? नहीं मैडम। आई बताइए कि 15 अगस्त 1947 को अपनो देश क्या हुआ था? आजाद। और आजाद के बारे में बच्चों लोग को मैडम ज्ञान के लिए चलिए पढ़ाइए। देश आजाद कराने में किसका किसका हाथ है तुम लोग जानते हो? नहीं ना, तो सुनो, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार, और सबसे बड़ा हाथ किसका है? सन्नी देओल का।
कमरे में घर आया और अपना झंडा लहराया। तू ना रियल में नहीं फिल्म में वो दिखाया और रियल में तो महात्मा गांधी आजाद कराया। और सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद अपने देश को आजाद कराने में अपना जान का बलिदान दे दिए और बहुत सारे नेता और देशभक्त जो है अपना सिर कटा लिए और उसके बाद मेरा देश क्या हुआ आजाद। और 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। सबसे पहला जो है प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था अपने देश का पहला प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। और जो है अपने देश का राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तुम लोग भी सीख गया अपने दिमाग में सटीक बैठा लो बाबू, नहीं तो गांव घर का जो है आदमी पूछता है साला पहला प्रधानमंत्री कौन था बता, तो मुंह का बोली हो जाता है पंड, समझ गया? ये सब जो है नहीं तो मुंह में घुसा देगा क्या? तो तुम लोग समझ जाओ तो इसीलिए सुधर जाओ बाबू, समझ गया? समझे? मैडम भी टैलेंट हो गई है। आप तो जानते थे ना, हम तो पहले से ही टैलेंट है। जी जी। तो तुम लोग आप गीत में डांस में नाच में भाग लेगा आप चला करो। जी हमको डांस का शौकीन है बहुत। वाह अपना दोनों डांस करें। दे रोशना नेता बात खड़ा हो रहे। जी सर। किस में पार्टिसिपेट करेगा तुम? डांस में लगा। अच्छा डांस करेगा डांस, चलो कोई बात नहीं है। कौन सा गाना पे डांस करेगा? जय हनुमान ज्ञान साला इस पे डांस होता रे। तुम करेगा डांस को? मेरा जूता है जवानी, मेरी लाल टोपी पाली, फिर भी हम होंगे हिंदुस्तानी, समझ गया क्या मैडम? न आता है तो मैडम जी से सीख लो, समझ गया? हमको आता है डांस, हम सिखा देंगे। फिर ये जाइए मैडम, सबका नाम लिख लीजिए डायरी पे कौन क्या पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद जो है तब तक जो है उधर जो है तैयारी करवाते हैं, साफ सुथरा जो है बाहर का करवाते हैं, लिखवा लो। मैडम पहले मेरा लिख लीजिए। लिख रहे हैं हम, तो मेरा मालिक है। हाँ बोलो। सोनू कुमार। सोनू कुमार। हाँ तुम बोलो। हम? हाँ हम गाना गाएंगे मैडम। नाम बताओ। अंजा। मैडम जी बोल रहे हैं नोट जो करेंगे कपड़ा लपका पहन के आना पड़ेगा। हे भगवान नाम पूछ रहे हैं, जो पहनो तुम अपना पहनेगा, हम अपना बाप घर से देंगे तुमको। बता नाम बताओ। नाम रोहित। झंडे को सलामी दो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्च कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जल तिरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आइए आइए आइए, आपको तो भूखो लग गया होगा। तो
आपका भूख लगा है? अरे आपके लिए तो बेहतरीन चीज लाए खाने के लिए, क्या बात करते हैं। नहीं पता ऐसी हो बुढ़िया ना। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ है, आइए ना पहले आइए। बैठिए बैठिए बैठिए, आप पकड़िए इसको। अरे आपको तो इतना भी खाना ना खा के आए हैं, आप चिंता मत कीजिए, पहले ये खा लीजिए, इसके बाद जानते हैं रूम में आपके लिए छुपा के बहुत कुछ रखे हैं। नहीं तो आ जाएगा। नहीं नहीं वो लोग क्या आएगा, पहले आप खाइए ना। आप खा लीजिएगा तो आपको संतुष्टि हो जाएगा दिल में। बात करते हैं, और लीजिए और लीजिए ना, और क्या लीजिए ना, और लीजिए, आप चिंता मत कीजिए। अरे खाइए ना बढ़िया से हो। क्या कर रहे हो आप लोग, को ना दूधा है कोई टीम। देखिए सर, देखिए क्या कर रहे, देखिए जी। नहीं वो जो है ना मतलब, चलिए बाहर में प्रसाद आप लोग को पता भी चलेगा। पता नहीं नहीं बाबू, चलो बाहर में, बाहर में तुम लोग नहीं जाओ। चलिए भैया, तुम मेरा नाक कटा देगा, कोचिंग का नाक कटा देगा तुम दोनों मिलकर। क्या मैडम आप यहाँ रंग ले लिया मनु ने के लिए आए का? बताइए आप 200-300 बच्चा को लाए ना, मेरा बेइज्जती कितना हुआ बोलिए। गांव का आदमी था, क्या बोलेगा, दोनों मुस्तनी कर रहा था। अब बताइए आप क्या कीजिएगा। सर ऐसी बात नहीं है, इनका हाथ मचक गया है, इसलिए थोड़ा सा अपने हाथ से खिला रहे हैं। अपने हाथ से खिला रहे थे मैडम? चलिए कोई बात है, हाथ मचक गया है, लीजिए मैडम खाइए लीजिए। साला इसका हाथ खराब था, हाथ मचक गया था ना रे, हाथ मचक गया था। आप लोग जो है अलग ललिया मनाते हैं, आपका क्या मचक गया था हाथ? आप दोनों जो है मेरा कोचिंग का नाम जो है ना बदलाव करके रख दीजिएगा। कह रहे हैं आप दोनों ये सब नाटक बंद करिएगा, या आप दोनों के यहाँ से उठा कर फेंके। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए बाहर। आप भी जाइए, मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए। गुस्साइए नहीं मैडम, एक बार खा लीजिए आँच, क्योंकि वो बुढ़वा को भगोने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं। जाइए आप, आओ बाबू। सर थोड़ा और दीजिए। प्रसाद है रे, प्रसाद है, आज वो दीजिए कि घर का खाना है, खाना है, प्रसाद है। लुक्कड़ पड़िए सब की करते। ठीक है सर, ठीक। चलिए सर, सीओ 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 साहिब बाबू अभी नहीं आएंगे, घंटा के बाद आएंगे कुछ। सर वो सीओ ना, ये खराब लस्सी हो बुनियाद दिए। अरे बाबू दिए सर, दिए सर, दिए लगाई दिए सर।